हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आज आपको लिली फ्लावर के बल्ब्स हैं वो मैं आपसे लगा रही हूँ, तो आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने जब नर्सरी गई थी वहाँ से कुछ बल्ब्स उठाकर लेकर आए थे, एक ग्लैडुलस के, डहलिया के और लिली के, तीनों बल्ब्स मैंने लेकर आए थे। एक्चुअली सीज़न तो अभी नहीं है लेकिन यहाँ पर मिलेगा नहीं, तो मैं वहाँ पर गई थी तो मैं इसलिए उठा कर ले आई हूँ। आप इस सीज़न में मत लीजिएगा, अगर लिए हैं तो रखे रखे ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसे अभी ग्रो भी करूँगी। अनफॉर्चुनेटली अभी आज क्या हो गया, मैंने लगाया शाम में और रात में इतनी ज़ोर से बारिश आ गई, इसका पता नहीं क्या हो पाएगा। और ये लिली बल्ब्स जो है उसे मैं देखिए थोड़ी बहुत ये साइड से मैं इसके निकाल लूँगी और बीच में का जो फ्रेश है वही मैं लगाऊँगी, तो इस तरह से सूखे हुए अलग से मैं रख लूँगी, इस तरह से निकाल कर फेंक दूँगी मैं उन्हें। और उसके बाद इस तरह के कुछ बल्ब्स के जो पत्तियाँ की तरह है, वो बल्ब्स के पत्ती जैसे ही है, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है बीच में का बल्ब्स जो फ्रेश दिख रहे हैं, साइड से थोड़ी सूखी हुई सी लग रही है, तो उन सबको मैं सेपरेट कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ से फ्लावर आया है तो कट करने के बाद इसे सेव किया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से फ्लावर आया है तो उसके बाद यहाँ से निकला है, तो ये थोड़ी बहुत मैं ऐसे ही सब के निकाल रही हूँ, तो इसीलिए ताकि साइड से कोई फंगस वगैरह ना हो और सूखी हुई है तो सारा इसी तरह सूखते हुए ना चला जाए, तो मैं इसे अलग अलग ग्रो करूँगी। कुछ निकले हुए इस तरह से मैंने साइड से कट किया हुआ बल्ब की जो हिस्से हैं उसे मैं अलग से ग्रो करूँगी, और बीच में का ये जो है ये मैं अलग से ग्रो करूँगी, तो सारा मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही रखा रहेंगे तो यहाँ से जो है वो गल कर सूख कर चला जाता है। हमें इसे मिट्टी में डालना चाहिए या तो आप फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं, फ्रिज में भी बल्ब्स अच्छे रहते हैं, मैंने ट्राई कर देखा है, एक बार फ्रिज में भी रह जाएंगे, मैंने डेले का बल्ब्स रख कर देखा है। और ये देखिए इस तरह से सारे बड़े बड़े जो हैं और थोड़ी बहुत जो नीचे से गल रही है तो सब मैं इस तरह से हटा रही हूँ। ये मुझे उतनी ज़्यादा फ्रेश बल्ब्स नहीं लग रहे हैं, तब बहुत दिन से रखा रह गया है, तो ये मुश्किल से 9-10 बल्ब्स है, 10 बल्ब्स एक पैकेट में आया है, तो मैं सबको ग्रो करूँगी। ये देखिए मैंने सैंड लिया है और सैंड में मैं मिला रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट इसलिए मिला रही हूँ ताकि बल्ब्स को जो है थोड़ी हेल्दी ग्रो हो जाए, और ये है नीम के, कोई फंगस वगैरह ना आ जाए। मैं बोन मिल बाद में डालूँगी इसमें, थोड़ी सी बोन मिल भी अच्छी डालनी है, अगर स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई तो मैं थोड़ी सी इन्हें बोन मिल डालूँगी बाद में। बल्ब्स के जितने भी है उनमें बोन मिल डलता है, मैं बोन मिल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी पहले, उसे और इस्तेमाल करने से क्या फ़र्क आता है मैंने थोड़ी बहुत देखा है। और यहाँ पर इसमें जो है सॉइल मैं मिक्स कर रही हूँ, सैंड, सॉइल, नीम केक एंड वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट मैंने नहीं डाला है इनमें, इस तरह से मैंने सभी को मिला रही हूँ। सभी को मिलने के बाद हम पॉट में डालकर ग्रो करेंगे, तो सारे के सारे इसी तरह से मैं पॉटिंग मिक्स तैयार कर रही हूँ। अब मैं 3-4 पॉट के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, तो देखिए इस तरह की मिट्टी मैंने बना ली है, वेल ड्रेन हो गई है ये मेरी सॉइल बिल्कुल, सैंड की मात्रा मैंने ज़्यादा रखी है, और देखिए मैंने सभी में इस तरह से डाल लिया। और ये बल्ब्स 4-5 एक में मैं लगा लूँगी, और ये देखिए 10 है, एग्जैक्टली 10 है ये, तो मैं कुछ उसमें लगा लूँगी और कुछ इसी में लगा लूँगी, थोड़ी सी गड्ढा करके मैं पूरे अंदर तक इसे नहीं दबा रही हूँ, ऊपर ऊपर ही रख रही हूँ, तो इस तरह से मैंने
सारे रखकर ग्रो कर रही हूँ। तो ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ये मैं पहली बार ग्रो कर रही हूँ, मेरे यहाँ नहीं मिलता है, तो मैंने इन्हें कभी लाया नहीं है। एक बार मैंने लाया था और फ्लावर्स आने के बाद वो गल गए थे, एक बार फ्लावर्स निकले थे और गल गए थे, उसके बाद इसकी बल्ब्स नहीं आ पाए और एक बल्ब से कई बल्ब्स इसके बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं, मैंने कहीं जगह पर इसे देखा है। तो यहाँ पर मैंने 6 बल्ब्स लगा लिए हैं और उसमें मैं देखिए इनको जो मैंने बल्ब्स के हिस्से को निकाला है, बल्ब्स को मैंने कट किया है, उन्हें मैं अलग पॉट में लगाऊंगी और एक 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 जो लीव्स है, लीव्स नहीं है, लीव्स की तरह दिख रहे हैं, ये पेटल्स की तरह दिख रहे थे मुझे सारे के सारे। मैं सोच रही थी इन्हें ग्रो करके देख लूँ, शायद इनसे भी फुटाव आ जाए या बल्ब्स प्लांट्स की संख्या जो है वो ज़्यादा निकले, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर आपने इस तरह से ट्राई किए हैं, निकले हैं या नहीं निकले हैं, मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैं फिर से थोड़ी बहुत मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार कर रही हूँ। इसी मिट्टी से जो है फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह की मिट्टी से अडेनियम के सीड्स मैंने ग्रो किए थे, वो निकल कर आए थे, उसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी आज। तो सेम इसी तरह से मैंने सभी मिट्टी को रेडी कर रही हूँ। देखिए सैंड की मात्रा मैं ज़्यादा इसलिए रखी हूँ कि पानी ज़्यादा नहीं रुके, बल्ब्स गले नहीं। इस तरह से राइस हस्क है तो वो भी डाल सकते हैं, मुझे नहीं मिला इस बार, मैंने वहाँ पर मिल पर गई थी, वहाँ पर नहीं मिला मुझे इस बार। एक ही मिल है यहाँ पर, राइस हस्क मिलता है, वहाँ से निकल लेकर आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बहुत बारीक सा राइस हस्क निकलता है और उसे जानवरों को खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो ज़्यादा मिलता नहीं है यहाँ पर। राइस मिल्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे ये सराउंडिंग में, जितने भी गांव वगैरह आते हैं वहाँ पर राइस ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं मेरे यहाँ, तो यहाँ पर बहुत सारा राइस मिल्स है। लेकिन मेरी जो सिटी में है वो एक ही है, तो मैंने सभी को इसी तरह से डाला है। डालने के बाद देखिए इस तरह से मैंने एक 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 रख रही हूँ, बहुत अंदर तक भी मैंने नहीं डाला है, बस टच किया है। जैसे कि सकुलेंट्स वगैरह मैंने पत्तियों से जो ग्रो करते हैं उसी हिसाब से मैं ग्रो कर देख रही हूँ। ये मुझे पेटल की तरह दिख रहे थे और एक दो मैंने पहले निकालने के बाद मैंने सोचा इसे लगा कर देखते हैं, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लिए थे। ये अगर निकलेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली मुझे कोई भी आइडिया नहीं है ये निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मैंने कहीं देखा भी नहीं है, बस एक बार ट्राई कर रही हूँ। फेंकने की वजह मैं लगाने की कोशिश कर रही थी और लगाने की उत्साह में मैंने जो है कुछ ज़्यादा ही निकाल लिए थे साइड से। देखिए इस तरह से ऊपर से ड्राई होते आ रहे थे ये सब, तो वो मैंने इन्हें निकाल लिए थे। सभी बल्ब से ये वाला बल्ब थोड़े अलग ही है, देखने पर ये रोज की जो कली रहती है उस तरह दिख रही है और पेटल्स की तरह इसकी बल्ब्स है। या तो बल्ब्स को बीच में काट कर भी लगाया जाता है, कई बल्ब्स मैंने देखे हैं। अगर इनमें ये ख़राब भी हो गए या एक भी स्प्रॉट निकला तो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, अगर आपने इस तरह से ट्राई किए हैं तो भी मुझे बताइएगा आपका निकला है या नहीं निकला है। तो मैंने इन्हें पॉलीथीन में ढक कर इस तरह से, अभी पानी डालूंगी, पानी डालने के बाद साइड पर रखूंगी तब ढकूंगी,
एक पॉलीथीन कवर इस तरह से मैं कर लूँगी, या तो पूरे एक किसी प्लेट की मदद से मैं पूरी ढक कर भी रखने के लिए सोच रही हूँ। पहले मैं एक दो दिन ऐसे रख कर देखूँगी, बाद में मैं प्लेट वगैरह रखने वाली थी, लेकिन इतनी ज़ोर बारिश आ गई कि कल रात में, उस वजह से थोड़ी इनमें पानी भी रह गया। तो अभी मैं 3-4 दिन पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी इनमें, बहुत कम पानी दूंगी। पानी देने के बाद इसकी जो भी कंडीशन है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए इस तरह से ढकने के लिए सोच रही हूँ, पहले पानी दे लेती हूँ और साइड में कर लेती हूँ, तब मैं हल्का मॉइस्ट करूँगी। पानी भी मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ, बहुत कम पानी दूँगी। देखिए इस तरह से, और बल्ब को भी इसी तरह से मैं थोड़ी बहुत मॉइस्ट रखूँगी। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद ही मैं चक्कर करी थोड़ी बहुत मैं पानी वगैरह दे दूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।